वे काकड़ बास रहा, काकड़ की आवाज सुनो। यह मैं चाहता फार जजराणम बड़ी पिवाय दूध दूध पिवा छो थे दूध पिवा छो बच्चे ने अच्छा ये माँ फनी हूँ बकुर फर इधर छोटू थी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आपका स्वागत है उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। आजकल बसंत का मौसम चल रहा है और बहुत सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही है और पेड़ पौधों में हरियाली आ रही है, पत्ते वगैरह आ रहे हैं और फूल आ रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ना इस टाइम में ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, बहुत अच्छा मौसम है। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने अभी जो हमारा पगार लग रहा था उसको पानी वगैरह की तराई कर दी और अब मैं हूँ वॉकिंग ट्रैक पे अपने नीचे। आप देख रहे होंगे लोग, ये हमारे वर्कर्स है, रोड के ऊपर काम चल रहा है, ठेकेदार काम करा रहा है तो वो रोड का काम शुरू हो गया है, वो लोग अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। और मैं ये बोल रहा था कि आदमी को अपना जो टाइम टेबल है नेक्स्ट डे का पहले दिन ही फिक्स कर देना चाहिए ताकि उसका टाइमिंग अपने हिसाब से सेटिंग हो जाए। तो ये बोला आपने को ज़रूर नेक्स्ट डे का प्लान बना के चलना है। तो नेक्स्ट डे का प्लान फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि उसको कहीं जाना है तो सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें, उसके बाद सारे काम आपके टाइम से होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कहीं जाना है तो सबसे पहले उसको तैयार होना है, नहाना धोना जो भी करना है, उसके बाद उसका मोड ऑफ कन्वीनियंस जाने का क्या होगा, गाड़ी घोड़ा कैसे जाएंगे, और दिन भर का काम है तो कैसे आपका दिन भर का होगा, वहाँ पे कार्यक्रम क्या क्या होगा, और घर में काम करना है तो क्या क्या काम करना है, और उसको सारणीबद्ध आपने प्रायोरिटी वाइज पहले काम कौन करना है, सेकेंड काम कौन करना है, थर्ड काम कौन करना है, और अपने दिन भर की दिनचर्या को इस तरह से अपने को फिक्स करना चाहिए। ये देखिए फूल पत्ते अभी सब आप पेड़ों पे देख रहे होंगे, यहाँ से उस तरफ पूरी सारी में देखो आप पौधों पे फूल वूल बहुत लग रहे हैं, पत्तियाँ आने लग गई, मतलब पतझड़ के बाद एकदम वीरान हो जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं और अब उस पर बिल्कुल पत्तियाँ फूल आने लग जाते थे, इसलिए इसको बसंत का मौसम कहते हैं। फुलारी फूल पाती लेके दिल दिल जाला, बहुत अच्छे अच्छे गीत श्री नयन सिंह नेगी जी ने लगा रखे हैं बसंत के ऊपर।
और कल फूलदेई का त्यौहार था, तो फूलदेई के त्यौहार में स्पेशली क्या होते हैं, फुलारी बोलते हैं बच्चे वगैरह जो होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, फूल पत्तियाँ लेके आपकी दिल्ली पे लाते हैं और उसके रिटर्न गिफ्ट में आप कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं और दिन भर वो गाते फिरते रहते हैं, तो एक खुशी का माहौल होता है, तो एक बसंत का आगमन भी होता है उसमें, तो बसंत की खुशी में बच्चे भी खुश रहते हैं। उसके बाद होली वगैरह का भी त्यौहार आता है, तो बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो फुलारी उनको बोलते हैं और फूल पत्ते आपके दिल्ली में डालते हैं। वैसे ही मैं आजकल बसंत की बात कर रहा हूँ, बसंत बहुत अच्छा मौसम है और बसंत जो होता है ऋतुओं का राजा होता है। अभी बसंत में जैसे नेगी जी ने, गणरत्न श्री नयन सिंह नेगी जी ने कितनी सुंदर रचना कर रखी है कि मेरा डांडी कांठियों का मूल के जैलू, बसंत ऋतु मा जई, आज उस बात को महसूस कर रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वे बात सही है और मैं अभी वहीं हूँ, प्रकृति की गोद में घूम रहा हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। ये देखे, लइया पइया गुराले फूलो ना, खोली धरती सजी देखी आई, और वाह की सज गई है धरती। और ये आप देखिए पेड़ पौधे कितने फूल पत्ते हो गए हैं इनके, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। घास सुखाने का बैग शुगर कम करना विधि कुछ पहली अब कपड़े भी धो दिए मैंने अपने, लहसुन लगा रखा पता है, लहसुन आलू पूरा ही देखो आलू लगा रखे, अरे हरियाली पूरे पेड़ों पे, ये हमारा घर पुराना घर। आज मेरी दाल बन रही है अरहर मलका और उड़द छिलका, अभी दाल बनाऊंगा। गांव के बकरे जाने वाले हैं गोर में, चले गए देखो, कपड़े भी धो दिए मैंने अभी। ये है हमारा पुराना घर, यहाँ पे रहते थे हम पहले। तो नेगी जी का गाना है कि उखी फूंडे हो लुखा त्यों मेरो भी बचपन, उकरी सकेली तो उकरी केले। आंगन छेड़ के देवी का माता मंदिर है, और सुंदर सी रोड ये। पगार की प्रोग्रेस, और आज मैंने लिपाई भी कर दी है, मोल और माट बोलते हैं जिसको, वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये वाला, और इससे ये चूल्हे की लिपाई हो गई, देखो ये लिपाई कर दी है, ऐसे लेटना पड़ता है इसको ना ऐसे। ये लिपाई होगी, बाकी ये लिपाई चल रही, इससे होता है इसको तो कुछ ना, ये मोल में भिगा के रखना पड़ता है ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे हाथ में लेके ऐसे घुमाना पड़ता है।
तो आज लिपाई का कार्यक्रम भी मेरा हो चुका है। देखिए डाल दिया जल दान का। और सज्जन फाइनली अपना पगार पूरा हो चुका है, आज कंप्लीशन हो चुकी है इसकी। और अभी ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, थैंक यू। हैं?